दोस्तों भारत और हांगकांग के बीच एशिया कप का मुकाबला खेला जा रहा है। हांगकांग के कप्तान निजाकत खान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 192 रन बना दिए। वहीं सूर्य कुमार यादव ने सबसे ज्यादा 68 रनों की पारी खेली। उन्होंने आखिरी ओवर में 4 छक्के जड़ दिए। वहीं विराट कोहली ने भी फॉर्म में वापसी करते हुए 44 गेंद में 59 रन बना दिए। वहीं कोहली ने 6 महीने और 11 पारियों के बाद कोई अर्धशतक जड़ा है। पिछली बार विराट कोहली ने 18 फरवरी 2022 को वेस्टइंडीज के खिलाफ अर्धशतक जड़ा था। उस मैच में उन्होंने 41 गेंदों में 52 रन बनाए थे। वहीं टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 32 महीने बाद T20 क्रिकेट में लगातार 3 मैचों में 10 से ज्यादा रन बनाए हैं। आखिरी बार जनवरी 2020 में लगातार 3 मैच में उनके बल्ले से 10 से ज्यादा रन निकले थे। वहीं अगर रोहित शर्मा की बल्लेबाजी की बात करें तो रोहित शर्मा हांगकांग के खिलाफ भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। उन्हें स्टार्ट तो अच्छा मिला था लेकिन वो 12 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। उनका विकेट भारतीय मूल के आयुष शुक्ला ने लिया। वहीं केएल राहुल का फ्लॉप शो हांगकांग के खिलाफ भी जारी रहा। उनके बल्ले से 39 गेंद में 36 रन निकले और स्ट्राइक रेट 100 से भी कम रहा।